हेल्थ सेक्टर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी पहली बार इतने बड़े स्केल पर समावेश किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर मरीज को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, समय पर मिले, कम से कम परेशानी हो। पापा, आपने पीएम की स्पीच सुनी? वो हेल्थ सेक्टर की एक नई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बता रहे थे। ओ, कैसी स्कीम बेटा? इसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या ABDM। देश में हर कोई इस मिशन का हिस्सा बन सकता है अपना आभा नंबर बनाकर। क्या है ये आभा नंबर जिसके लिए तुम इतनी एक्साइटेड हो? आभा या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर एक 14 डिजिट का नंबर है जिससे हम ABDM के तहत डिजिटल हेल्थ सर्विस ले सकते हैं। किस तरह की डिजिटल हेल्थ सर्विस? पापा, याद है जब सुमित अंकल की हार्ट प्रॉब्लम का पता चला था और आपको चेन्नई में एक हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना था? याद है आपने उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कितने कॉल किए थे और कितनी दिक्कत हुई थी सुमित अंकल के मेडिकल रिकॉर्ड्स डॉक्टर को भेजने में आपको? हाँ, दिक्कत तो बहुत हुई थी, लेकिन उनसे हमें सुमित के लिए अच्छी सलाह मिली थी। जी पापा, आभा नंबर से सुमित अंकल अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटली स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पिछले डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, मेडिसिन लिस्ट, हॉस्पिटल की डिस्चार्ज स्लिप वगैरह वगैरह। इसके अलावा वो भरोसेमंद और वेरिफाइड स्पेशलिस्ट को ऑनलाइन ढूंढ पाएंगे, अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे और अपने फोन या कंप्यूटर से पिछले सभी रिकॉर्ड्स शेयर कर पाएंगे। सच में ये तो वाकई बहुत आसान हो जाएगा और उन सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स को खोने की चिंता भी नहीं रहेगी। बिल्कुल पापा, मैंने पढ़ा है इस नंबर से मदद मिलती है OPD कंसल्टेशन के लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन कराने में। सोचिए इससे कितना टाइम बचेगा, हमें उन लंबी लाइनों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे कैसे मिलेगा मेरा आभा नंबर? आसान है पापा, पहले aabhadot.abdm.gov.in ओपन करेंगे और डालेंगे अपना आधार नंबर, OTP वेरीफाई करेंगे और लीजिए हो गया, ये रहा आपका आभा। हमारा पूरा परिवार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़ चुका है और आप?